सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम लगा रहे हैं अपनी गाय को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के इंजेक्शन। तो ये हम अपनी गाय को कब लगाते हैं, एक तो एआई के पाँचवें दिन के बाद में, ताकि जो अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ की प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आए। वो गाय बच्चा पकड़ लेती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण जो अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ ना हो, इसलिए ये वाला इंजेक्शन है। जी हम एआई के पाँचवें दिन के बाद लगा रहे हैं, जान 96 घंटे के बाद इसको लगा सकते हैं। और जे इंजेक्शन जब हमारी गाय को हम एआई कराते हैं, तो एआई कराने के बाद बहुत ज़्यादा गाय ब्लड फेंकती है, क्योंकि कई गाय का जो एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल है बहुत ज़्यादा अप होता है, तो उनके एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल को कम करने और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल को बढ़ाने के लिए तभी ये इंजेक्शन लगता है, जब गाय जो है बहुत ज़्यादा ब्लड मारती है एआई करने के बाद, तब भी ये 3 ml इंजेक्शन जो है हाइड्रो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और तीसरी जगह हम ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं जो हमारी गाय प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब इसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, तो ये प्रेग्नेंट आई है हमारी, 2.5 दिन के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं गाय की, तो ये प्रेग्नेंट आई है और इसको भी हम ये 3 ml इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लगा रहे हैं, ताकि ये अपना बच्चा पकड़ी रखे और बच्चा फेंके नहीं, क्योंकि जो बड़ी हाई जील्डर काउ होती है उनमें ये भी प्रॉब्लम आती है। पिछले साल भी हमें ये ऐसी प्रॉब्लम जो थी 5-6 गाय में आई थी, तो इस साल हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसलिए ये इंजेक्शन एआई के 5 दिन बाद भी लगा रहे हैं, और जो गाय प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रेग्नेंट हो जाती है उसको भी लगा रहे हैं, ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो बनी रहे, अपने बच्चे को भी वो पूरा अपने गर्भ में पाले। तो इस इंजेक्शन को हमने गर्दन में लगाना है, मांस में डीप, पूरा सुई को अंदर धकेल कर। हेलो पीटर, वीडियो को शेयर जरूर आगे किया कीजिए, ताकि डेयरी फार्म से रिलेटेड और भी किसान भाइयों और बहनों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू। तो एक मैं ज़रूरी बात बता दूं, ये है इंजेक्शन जो लगा रहे हैं हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और हर गाय को जो सुई है नीडल अलग लगाते हैं, ताकि किसी भी एक दूसरी की बीमारी है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरी गाय में इंजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट जो है इस टॉपिक के ऊपर भी आते हैं कि अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ हो गई है तो क्या करें। तो यही प्रोटोकॉल होता है अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ का, को कंट्रोल करने के लिए एआई के 96 घंटे बाद प्रोजेस्टेरोन, और जब प्रेगनेंसी का मेंटेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। किसी और पशुपालक भाई बहन की जो है प्रॉब्लम का हल हो जाए। थैंक यू।